स्पोर्ट्स बाइक यूथ का वो शौक है सिर्फ कहीं ना कहीं बचपन से देख रहे होते हैं, और अब तो ये स्पोर्ट्स बाइक इलेक्ट्रिक वर्जन में भी तैयार है। मेटल एरा की अलग हाइप है और अब ऑक्सा मेंटिस। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बैंगलोर बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप ऑक्सा एनर्जी ने अपने डिजाइन और डेवलपमेंट फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कर दिया है, और इस इनॉग्रेशन के मौके पर उन्होंने ये भी बताया है कि वो ऑक्सा को जल्द ही इसी साल लेकर आने वाले हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो ऑक्सा एनर्जीज की जो न्यू फैक्ट्री है, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर के साथ साथ असेंबली स्टेशन, बैटरी असेंबली लाइन और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग फैसिलिटीज दी गई है। एज अ रिजल्ट कंपनी प्रोडक्शन के अलावा इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही प्लेस पर अब कर सकती है, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में। हालांकि कंपनी ने ये अभी रिवील नहीं किया कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होने वाली है। और अब बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रिक बाइक ऑक्सा मेंटिस की। तो इस इलेक्ट्रिक बाइक को पहली बार इंडिया में इंडिया बाइक वीक 2019 में दिखाया गया था। उस समय इसमें 28 किलोवाट की मोटर और 9 किलोवाट आर का बैटरी पैक लगा हुआ था, जो फुल चार्ज होने पर आपको 200 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता था। साथ ही इस प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बाइक में एक पोर्टेबल बैटरी थी, जबकि प्रोडक्शन यूनिट बाइक में फिक्स बैटरी के साथ लिक्विड कूल इंजन आपको मिल सकता है। तो ये 2019 की बात है, और अब चल रहा है 2023, तो काफी ज्यादा अपग्रेडेशन यहाँ पर चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। और माना यह जाता है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक का सीधा सीधा कंपटीशन होने वाला है अल्ट्रा वॉयलेट F77 से। यहाँ पर जब हम स्पोर्ट्स बाइक की बात करते हैं, तो यहाँ पर डायमेंशंस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका जो व्हील बेस है वो 1470 mm है, सीट हाइट 810 mm, कर्व वेट 175 kg, और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 100 mm आपको मिल सकता है। चार्जिंग टाइम की यहाँ पर बात करते हैं, फास्ट चार्जिंग से आप इसे 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं, और नॉर्मल चार्जर से आप 4 घंटे में इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल पहले के अकॉर्डिंग है, अब 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी ही बताएगी कि क्या क्या अपग्रेडेशन वो करने वाली है। तो जैसे ही कंपनी रिवील करेगी, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।